बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैंने 16 नेशनल खेला है और मेरे पास ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल है। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैंने एनी रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे का स्पोर्ट्स कोटे से ग्रुप सी के लिए ट्रायल दिया था, जो कि फरवरी में 20 तारीख को एनी रेलवे का ट्रायल था। उस ट्रायल में मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था सभी लड़कियों की अपेक्षा में, और मेरा चयन भी हो गया था। पर जब कुछ टाइम बाद लिस्ट आउट हुआ तो उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। जब मैंने पता किया तो मुझे यह बात पता चली कि कमेटी में ये बात बोली गई कि मैं 25 साल होने की हूँ और आगे खेलूँगी नहीं और 2 साल बाद शादी कर लूँगी। और इस ट्रायल के ठीक एक हफ्ते बाद 29 फरवरी को मैंने नॉर्दर्न रेलवे का ट्रायल दिया था, जो कि वो ट्रायल भी मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। और उस ट्रायल के कुछ टाइम बाद जब लिस्ट नहीं आउट हुई लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने एप्लीकेशन डाली पीएमओ को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, रेलवे मिनिस्ट्री को, और बहुत सी कंप्लेन, बहुत सा लेटर डाला, पर मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स मिला मुझे पर विजिलेंस वालों ने रेलवे मिनिस्ट्री को रिफ़र कर दिया। उन्होंने यह बोला कि अगर जांच के दौरान नहीं कुछ मिलेगा तो आपकी कंप्लेन आगे नहीं मानी जाएगी। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एनी रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे की जांच अच्छे से कराई जाए, जिससे मुझे सिलेक्शन करने में सहयोग मिले, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर है। इसके बाद मैं स्पोर्ट्स से किसी भी डिपार्टमेंट में, रेलवे में कहीं अप्लाई नहीं कर सकती। और मैंने काफ़ी टाइम मेहनत किया है। मैं 8 साल हॉस्टल में रही हूँ, 3 साल से पीजी में हूँ, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, और मेरी फैमिली प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। मेरी 8-8 सिस्टर हैं, मेरी फैमिली बड़ी है, मम्मी का पैर नहीं सही है और मेरे पापा जी मजदूरी करते हैं, और ऐसे में मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है। मुझे कहीं से सपोर्ट ना मिलने के कारण मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, इसलिए आप प्लीज़ मेरा सहयोग करें और मेरी मदद करें।